सुशांत सिंह राजपूत केस की आरोपी नंबर वन रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एनसीबी ने रिया पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया है, सबूतों को पुख्ता किया जा रहा है। आज दूसरे राउंड की पूछताछ होनी है, जिसके बाद रिया की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ती जा रही है। कल शाम 6 बजे रिया एनसीबी के दफ्तर से बाहर निकली तो एनसीबी का साथ में समन था कि पूछताछ का दौर जारी रहेगा और आज भी ड्रग्स से जुड़े एक एक सवालों का जवाब देना होगा। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती एनसीबी के सारे आरोपों से इनकार कर रही थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने यहां तक कह डाला कि वो मेडिकल टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। रिया ने एक बार फिर से दोहराया कि वो नहीं बल्कि सुशांत ड्रग्स लिया करते थे। रिया का पूरा ड्रग्स गैंग गिरफ्तार हो चुका है, अब बारी रिया की है। इसके इर्द गिर्द ड्रग्स की पूरी कहानी घूम रही है। आखिर रिया की गिरफ्तारी की संभावनाएं क्यों हैं, उसे भी समझ लीजिए। वजह नंबर एक, एनसीबी ड्रग्स पर रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं है। वजह नंबर दो, शोविक रिया के साथ ड्रग्स लाने की बात कबूल कर चुका है। वजह नंबर तीन, रिया के मोबाइल चैट में ड्रग्स मंगाने के सबूत। वजह नंबर चार, गौरव आर्या से ड्रग्स संबंध के सवाल पर अटकी। वजह नंबर पांच, शोविक से ड्रग्स मंगाने वाली बात कबूल की। रिया एनसीबी के सवालों के चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। रिया ने एनसीबी के अधिकारियों को खूब घुमाने की कोशिश की, लेकिन सबूतों की ऐसी लिस्ट तैयार है जिससे उनका बच पाना मुश्किल नजर आ रहा है। रिया के खिलाफ उनका फोन ही सबसे बड़ी गवाही दे रहा है। शोविक, सैमुअल और दीपेश के बयान रिया के खिलाफ जा रहे हैं। ईडी को ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें कुछ खास लोगों को पैसे देने की बात सामने आई है। इससे भी ड्रग्स का लिंक सामने आया। सुशांत के पारिवारिक सदस्यों ने बयान दिए और व्हाट्सएप चैट से कई बातों की पुष्टि हुई। इस मामले में गोवा के कारोबारी गौरव आर्या से रिया की चैट में ड्रग्स का जिक्र हुआ था। गौरव आर्या से ईडी ने पूछताछ की। एनसीबी ने ड्रग्स केस में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। शोविक, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने पूछताछ के बाद तुरंत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रिया को 1 दिन का और मौका दिया गया है। एनसीबी रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत तैयार कर लेना चाहती है। रिया के झूठ का हर रास्ता बंद कर देना चाहती है, क्योंकि रिया इस पूरे कांड की सबसे बड़ी आरोपी है जो सुशांत और बाकी लोगों के बीच की कड़ी थी, जिसका गिरफ्तार होना करीब करीब तय माना जा रहा है। अरविंद ओझा, मौसमी सिंह के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। रिया की आज फिर एनसीबी दफ्तर में पेशी होनी है। आज की पेशी से पहले रात में मुंबई पुलिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग करती हुई नजर आई। आपको बता दें कि कल रिया की पेशी के दौरान एनसीबी दफ्तर के बाहर भगदड़ सी मची हुई थी। भीड़ बढ़ने की वजह से रिया को अंदर ले जाने में पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ा। इसके मद्देनजर आज पुलिस ने एनसीबी दफ्तर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी है। एनसीबी के ड्रग के सवालों में रिया बुरी तरह से फंस चुकी है। कल कई ऐसे सवाल थे जिनका रिया ठीक से जवाब नहीं दे पाई। आज उन्हीं सवालों की सच्चाई एनसीबी रिया से उगलवाएगी। हालांकि रिया ने ड्रग्स को लेकर कई बातें कबूल भी की हैं। सुशांत की मौत का केस इस वक्त ड्रग्स के जाल में पूरी तरह से फंसा हुआ है। रिया पर एनसीबी ने शिकंजा तेज कर दिया है। ड्रग्स को लेकर ताबड़तोड़ सवालों के बीच रिया बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है। कल 6 घंटे की लंबी पूछताछ में रिया ने ड्रग्स को लेकर कई बातें कबूल की। रिया का पहला कबूलनामा, रिया ने माना कि उसने शोविक से ड्रग्स मंगाई थी। रिया का दूसरा कबूलनामा, शोविक ने ड्रग्स पेडलर बाशित से ड्रग्स खरीदी और बाशित उनके घर आता जाता था। रिया का तीसरा कबूलनामा, शोविक के साथ 15 मार्च की चैट कबूली। इस चैट में रिया ने शोविक से ड्रग्स मंगवाए थे। रिया का चौथा कबूलनामा, 17 मार्च को सैमुअल मिरांडा और पेडलर जैद के बीच ड्रग्स डील की जानकारी थी। रिया का पांचवा कबूलनामा, शोविक ड्रग्स पेडलर जैद से ड्रग्स की खेप लेता था। एनसीबी ने अपने पहले सवाल से ही रिया पर दबाव बनाया, सीधे रिया के सामने सबूत रखने शुरू कर दिए। सबसे पहले एनसीबी ने रिया को चैट दिखाए जिसमें वो ड्रग्स की डिमांड करती पाई गई हैं। जो कुछ रिया चक्रवर्ती ने कबूलनामा किया है उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक के हाथ लगी है।
रिया चक्रवर्ती ने कबूला कि 15 मार्च को ड्रग्स के बारे में जो शोभित चक्रवर्ती से वो बात कर रही थी वो वाकई ड्रग्स के बारे में शोभित चक्रवर्ती से बात कर रही थी, लेकिन वो ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंगवा रही थी। दूसरा सबसे बड़ा कबूलनामा रिया चक्रवर्ती ने यह कहा कि 17 मार्च को जब सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेने के लिए जा रहा था तो रिया चक्रवर्ती को इस बारे में पूरी जानकारी थी। न सिर्फ जानकारी थी बल्कि अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ मिलकर वो ड्रग पेडलर से कोऑर्डिनेट भी कर रही थी। तीसरी जो सबसे बड़ी जानकारी रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने दी कि उनको सब कुछ पता था कि किस तरीके से जो ड्रग्स है वो सुशांत के घर आता था, ड्रग पेडलर बासित खुद उनके घर आता था और उनका भाई शोभित चक्रवर्ती बासित के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाता था। सूत्रों के मुताबिक सवाल जवाब के दौरान रिया के हाव भाव लगातार बदलते रहे। वो नाराज हो रही थी, झुंझला रही थी, झूठ पर झूठ बोल रही थी, लेकिन एनसीबी ने रिया के सामने शोभित को बैठाकर पूछना शुरू किया तो वो टूटने लगी और एक एक कर सच सामने आने लगा। लेकिन अभी कई सवाल हैं जिसका रिया ने पूछताछ के पहले दिन ठीक से जवाब नहीं दिया। सवाल, क्या आप ड्रग्स लेती हैं? जवाब, नहीं। सवाल, क्या आपने कभी ड्रग्स ली? जवाब, मैंने आज तक ड्रग्स नहीं ली। सवाल, क्या ड्रग्स के बिजनेस में शामिल हैं? जवाब, नहीं। सवाल, क्या सुशांत को कभी ड्रग्स दी? जवाब, कभी नहीं दी। सवाल, क्या ड्रग्स की सप्लाई की? जवाब, नहीं। ये वो सवाल हैं जिनका आज रिया को सही जवाब देना है। एनसीबी के सामने रिया का कोई भी झूठ उसकी मुश्किल बढ़ा सकता है। अरविंद ओझा, मौसमी सिंह के साथ मनीष पांडे, मुंबई, आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।